धनीराला टीम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं राशि धनीराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और इस वक्त जहां जिस लोकेशन पर आप मुझे देख रहे हो वो एक भैंसों का तबेला है। दरअसल आप सोच रहे होंगे कि इस वक्त रात का समय है, हम भैंसों के तबेले में कर क्या रहे हैं। यहाँ पर जो भैंसों का तबेला है, एक गरीब व्यक्ति जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीर के माध्यम से, इनका ये तबेला है और ये चरवाहे हैं और किसी दूसरी जगह के ये चरवाहे हैं। और ये लोकेशन इस वक्त गांव सरावा है, सढोरा का ये गांव है। यहाँ पर नज़दीक में जो फैक्ट्रियाँ लगी हैं तो दिन में अपनी जो भैंसें हैं उनको चराने के लिए निकले थे खेतों में, तो वहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री से निकलने वाला जो केमिकल है वो पानी में मिक्स होकर बाहर निकला हुआ था, तो पी लिया पानी समझकर उन भैंसों ने वो केमिकल पिया बारी बारी से। और फिर देख सकते हैं अब ये हालात इनके बन चुके हैं कि इनकी जो चमड़ी है वो उखड़ना शुरू हो चुकी है, यानी पूरी तरह से इन भैंसों को एक लाइलाज बीमारी लग चुकी है। डॉक्टर भी आया था, हालांकि उसने इंजेक्शन वगैरह मेडिसिन दी है, लेकिन जिस हालत में इस वक्त ये भैंसें हैं बहुत ही परेशानी की हालत में है। और इनसे बातचीत भी करेंगे कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा है। तो आप बने रहे आप इस वीडियो में हमारे साथ, तमाम जानकारी जो मालिक है और है इन भैंसों का उससे जानने की कोशिश करेंगे कि कब कैसे ये पूरा प्रकरण घटा है। मलखान सिंह, कहाँ से हो आप? कमवाड़े से। इस वक्त सरावा में हो आप, यहाँ पे आपका जो घटनाक्रम हुआ है आपकी भैंसों के साथ, तो वो बताएं कैसे हुआ है, क्या मामला है? तो जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ है आप थे भैंसों के साथ? हाँ जी, मैं था। आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। कितनी भैंसें हैं आपके पास? 11-12 था ना जी। 11। अच्छा, तो कैसे हुआ, आपने पूरा मामला देखा होगा, कैसे हुआ? जी, मैं पानी पिलाने लगा था जी मम्मी। अच्छा, तो वहाँ डंगर तय थे, इन्हें टाइम पानी पी लिया केमिकल का। कहाँ की घटना है जी? ये पाबनी रोड आयो इसी। अच्छा, पर पाबनी रोड। तो उस टाइम आप कहाँ थे? हम डंगर के साथ थे जी। हाँ, तो गंदो। अच्छा, तो वहाँ पे फैक्ट्री है, कौन सी फैक्ट्री है वहाँ पे? बनाओ तो मैं जानता, केमिकल बोलना जिसको। अच्छा, केमिकल फैक्ट्री है। हाँ जी। तो उस फैक्ट्री का जो केमिकल था वो कहाँ पे रखा हुआ था, कैसे पिया, पूरा मामला आप खुल के बताओ ना। वो बाहर साइड में छोड़ रखा पानी ने। अच्छा, दूसरे के प्लाट आज। अच्छा, केमिकल वाला पानी जो मिक्स है। हाँ जी, वो बाहर छोड़ रहा। हाँ जी, बरसात हुई थी, बरसात का पानी उसी में था, उनका पानी उसमें छोड़ दिया। अच्छा, ऐसे हुआ है पूरा, ऐसे हुआ जी। आपने किसी को शिकायत दी आपकी? ना जी, अभी मन तो आज शुरू हो जाओ। अच्छा जी, तो यहाँ पर आपने डॉक्टर बुलाया? कार्रवाई मत है डॉक्टर जी, टिक्के लगे। डॉक्टर ने क्या बोला आपको? बस टिक्के लगे दोपहर में। अच्छा, और लगी लगाएंगे। बताया होगा कोई भी, केमिकल से हुआ या कैसे हुआ? केमिकल से हुआ जी, डॉक्टर बताया। हाँ जी, या चमड़ी उतरी है ना, केमिकल का तेजाब का पानी आ जी। तो कोई और ज्यादा नुकसान तो नहीं है कि किसी भैंस की मृत्यु तो नहीं हुई है? बना जी, बहुत मृत्यु होने का असर भी कर रही है वैसे तो। हाँ जी, प्रशासन से क्या गुहार लगाओगे, फैक्ट्री वालों से क्या मदद करी जाए? इनकी मदद करी जाए। बगम तो गरीब आदमी जी, गांव छोड़ कर दूरा पट्टे जंगल में। ठीक है जी, तो भैंस चराने का ही काम था आपका? हाँ जी। ठीक, क्या कहना चाहोगे? जैसे आज सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप यहाँ आए इस गरीब की आवाज उठाने वास्ते। इस आदमी, ये आदमी यहाँ से 5-7 साल से आ रहा भैंस लेगा, यहाँ अपनी भैंस से गुजारा कर रहा है, अपने बच्चे का पेट पाल रहा है। ये भैंसा चगंदा वहाँ लेके गया, इधर पापड़ी रोड पे सड़क पे घास था, उस घास पे चगाने के लिए ले गया। भैंसे प्यासी थी तो वहाँ भैंसों ने पानी पिया, पानी पीने के बाद इसकी भैंस से दिक्कत में 2 सीटी भी लगी थी। लेकिन कल जिस टाइम गर्मी ज़्यादा थी, उस गर्मी की वजह से आज गर्मी ज़्यादा थी, इसकी भैंसों के सारे की चमड़ी उफनेगी, बेकार होगी। तो मतलब उस पानी पीने की, उस पानी पीने की वजह से, केमिकल का वो पानी है, फैक्ट्री से बाहर वो पानी है। ठीक है बात, जिस करके इसकी भैंस का नुकसान होया, इसनु बेचारे नु पता नहीं था, या तो इसको मैं बोल देते, या वहाँ इन कोई उन कोई वहाँ बोर्ड वगैरह लगाना चाहिए भी यहाँ से यो पानी अच्छा नहीं है। ये गरीब आदमी, इसका कोई गुजारा नहीं, छूट भैंस। तो प्रधान जी, जैसे वो पानी आ रहा है केमिकल का, क्या नाम, वो उनकी जगह में आ रहा है या सरकारी जगह में? ऐसा जी, वो है खड्डे में पानी, सरकारी जगह मान ले खड्डे है वहाँ सड़क के, उन खड्डे में पानी आ रहा हो, उन खड्डे में पानी आएगा वहाँ भैंस, वहाँ से उन प्यासी थी, प्यासी होने करके उन्हें वहाँ पानी पिया, पानी पीने करके वहाँ उसमें पानी में नहाई भी है, उनकी सारी चमड़ी बेकार होगी, सारी भैंसों की। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने भी आया इनकी भैंसों का इंजेक्शन, बात पता है इसके बारे में? गरीब आदमी ने तो कुछ भी नहीं पता है, तो जो भी मान ले जितना भी काम हो रहा है सारा गांव के लोग मदद कर रहे हैं इनकी बेचारे की, गरीब आदमी। तो प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे प्रशासन की वजह, प्रशासन के दिमाग में ये बात तो जाएगी? जैसे हम तो ये कहना चाहें जी, केमिकल वाले को तो इस बात के
मान लो जैसे इनका नुकसान है, इनका कर्जा न मिलना चाहिए, चाहे प्रशासन अपनी जेब से दे चाहे उस पे फैक्ट्री वाले से दिलवाए। हम तो ये कहना चाहे गरीब आदमी इनका और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। सतपाल जी, जो भैंसों वाला जो पूरा मामला है, क्या कुछ मामला है, कैसे आपको जानकारी मिली? पता क्या जी, पहली बात तो हमने देखी हुई अंधेर खाते हो गया सरकार के मुताबिक। जो जिन्होंने फैक्ट्री लाई, उसने फैक्ट्री लाई तो जगह नहीं देखी कभी भी, निश्चित नहीं करी फैक्ट्री लाने कहाँ लाएंगे कहाँ नहीं लाएंगे। इन किसानों की, इन मजदूरों की आज वो कौन मिटाएगा? ना प्रशासन मिटा सका, ना शासन मिटा सका। ये है कि जो पूरा मामला हुआ, इसके लिए कौन दोषी है? किसको जिम्मेवार मानते हो? दोषी तो फैक्ट्री वाला जी, सबसे पहले फैक्ट्री वाला दोषी है। उससे बाद प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। प्रशासन की देख रेख होनी चाहिए, प्रशासनिक कार्रवाई करेगा जो गलत होगा काम, तो उसके लिए कार्य प्रशासन की बनती है। अगर कार्यवाही नहीं होती तो आगे क्या कदम रहेगा? बिल्कुल, पता क्या जी, जिसकी बहस है जी, आज बहस 80,000 रुपए की है, ठीक। एक बहस 12 बजे मरगी, कटड़ी मर गए, बीचे बच्चे ही मर गए, कई लाखों रुपए का नुकसान हो गया इस किसान को, इस मजदूर को। तो इसका भरपाई प्रशासन करे या शासन करे। तो मैं तो प्रशासन से अपील करता हूँ कि प्रशासन जिम्मेवारी समझ गए, जो फैक्ट्री लगे पहला देख रेख कर लुवाए, उससे बाद हम अगली बात करेंगे। जैसे आप किसान यूनियन के प्रवक्ता भी हो, तो सर अगला निर्णय क्या रहेगा जो सर प्रशासन इसको कार्रवाई नहीं करता? अगर ये प्रशासन नहीं कार्रवाई करता तो हम रोड जाम करेंगे। ठीक है, नमस्कार जी। क्या कुछ मामला है सर? मैडम, यहाँ सरावा गाँव से सूचना प्राप्त हुई जी कि हम ऐसा फैक्ट्री में के पानी पीने की वजह से उनकी तबीयत खराब है, मैं सोगी जिस पर डॉक्टर आया उनकी, मैंने यहाँ पे आके मौका भी किया, जिससे मैं सोगी खब चमड़ी उतर रही है, हो चुकी है। अब जैसी कानूनी कार्रवाई बनेगी, जो भी फैक्ट्री वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो जज का बनेगी वो कर दी जाएगी। सर कितने नुकसान हुआ सर? कम वाला करीब 8-10 लाख रुपए का नुकसान होगा। कितनी मैसे है सर? टोटल 12 मैसे है, 2 जिसमें 2 कटड़ी है और 10 मैसे है।